सीजन 14 का ये हफ्ता काफी ज्यादा शानदार रहा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा धमाचौकड़ी देखने को मिली, कई सारे बड़े मुद्दे सामने आए हैं और जिनको लेकर सलमान खान विकन का बार बार बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं और साथ ही वे घर वालों को डांट फटकार लगाते हुए या फिर समझाइश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों आज है फ्राइडे यानी कि वीकेंड का वार शूट हो रहा है और कल सैटरडे यानी वीकेंड का वार आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए रेडी होगा रात 9 बजे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इस बार वीकेंड का वार पर किस किस की जमकर क्लास लगाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस हफ्ते सलमान खान किन किन सदस्यों को लगा सकते हैं डांट फटकार या फिर हो सकती है थोड़ी बहुत समझाइश। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे यानी कि रुबीना दिलैक और जैस्मीन भसीन के बारे में, तो पंचायत वाले टास्क में वो दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर दोनों के ही फैंस उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे वाले की बुराई कर रहे हैं। तो सलमान खान वीकेंड के वार पर इन दोनों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे और फिर ये देखना काफी मजेदार होगा कि सलमान किसे सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा बात की जाए इसी टास्क की, तो इस टास्क में किचन का मुद्दा सामने आया था जहां पर रुबीना दिलैक को लेकर जैस्मीन ने कहा था कि उन्होंने खाना बनाने से इनकार कर दिया जबकि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सलमान खान जैस्मीन का भंडा फोड़ कर सकते हैं कि तुमने और अली ने मिलकर ही अभिनव और रुबीना के साथ इस बात को डिस्कस किया था कि हम कविता की कैप्टनशिप को सफल नहीं होने देंगे। वो दोनों डटे रहे लेकिन तुम दोनों ने बैकआउट किया और उस चीज को लेकर तुमने मुद्दा क्रिएट किया और एक तुमने किचन जीत ली उस क्लास में। इसके अलावा अली गोनी की ही क्लास लगाई जा सकती है क्योंकि इस हफ्ते भर में जैसा अली गोनी का बिहेवियर रहा है कविता कौशिक के ट्रू वर्ड्स, इसे लेकर सलमान खान उनकी क्लास लगा सकते हैं क्योंकि कविता के एक छोटे से मुद्दे को लेकर उन्होंने जो बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था, घर के सामानों की उठा पटक करना, टास्क के जो सामान है उन्हें तोड़ फोड़ देना, ये सब चीजों को लेकर सलमान उन्हें डांट लगा सकते हैं। इसके अलावा राहुल वैद्या के साथ भी सलमान खान बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि इस हफ्ते में राहुल वैद्या ने बहुत सारे लोगों के साथ मजाक मस्ती किए हैं और बहुत ज्यादा बोलने वाली चीजें बोल भी दी हैं, लेकिन रुबीना दिलैक के साथ उन्होंने जो किया कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, तो उसे लेकर सलमान खान उनकी क्लास ले सकते हैं। बात की जाए कविता कौशिक की, तो घर वाले जो कविता कौशिक के साथ बिहेवियर कर रहे हैं उन्हें हर बार टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं, उन्हें बुली करते हैं कुछ एक सदस्यों को छोड़कर, तो इस बात को लेकर सलमान खान कविता का पक्ष लेते हुए नजर आ सकते हैं कि पहले हफ्ते में जब वो आई थी तो वो दौर अलग था लेकिन ये दौर अलग है, वो अच्छा कर रही है तो उनका साथ दो, उन्हें इग्नोर मत करो या फिर उन्हें नीचा मत दिखाओ। इसके साथ ही सलमान खान अभिनव शुक्ला के गेम को लेकर भी उनसे बातचीत कर सकते हैं क्योंकि एक टास्क के दौरान अभिनव ने जो बिन बॉक्स रखा था उसी को कवर कर लिया था, तो इस बात को लेकर बिग बॉस ने उन्हें डांटा था, तो सलमान खान भी इसे लेकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सलमान खान चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि हफ्ते भर में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हुई हो जो अभी हमसे रह गई हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई मुद्दा रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेशन में बता सकते हैं और हम आप तक ऐसे ही बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी सारी खबरें और अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी दूसरी खबरों और जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।